भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंदौर में चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह की संस्था यूविकैन फाउंडेशन इंदौर में 100 बेड के अस्पताल के लिए लगने वाली सभी मेडिकल उपकरण मुहैया कराएगी। फाउंडेशन द्वारा 3.5 करोड़ की मदद की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के लिए आई परेशानियों को देखते हुए कई लोग और संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में क्रिकेटर युवराज सिंह की संस्था यूविकैन फाउंडेशन ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के सामने 3.5 करोड़ की लागत से 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने में मदद की पेशकश की है। फाउंडेशन द्वारा 23 तरह के मेडिकल उपकरण दिए जाएंगे। इसके अलावा 50 बायपैप मशीनें व 10 वेंटिलेटर भी इंदौर को मिलेंगे। यूविकैन फाउंडेशन कैंसर की बीमारी को लेकर देश भर में काम कर रहा है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बीच यह फाउंडेशन मरीजों के इलाज के लिए संसाधन भी उपलब्ध करवा रहा है। देश भर में 40 स्थानों पर अब तक इस तरह की मदद कर चुका है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक कुछ दिनों से एमजीएम की ओर से फाउंडेशन से बातचीत की जा रही थी। अब फाउंडेशन की ओर से ऑफर लेटर मिला है, जिसमें उन्होंने कोविड केयर के लिए कई तरह के उपकरण देने का प्रस्ताव दिया है। हमने उनके पत्र का सकारात्मक जवाब दिया है। उम्मीद है प्रोजेक्ट जल्द ही आकार ले लेगा। नहीं, उन्होंने अभी हम लोगों को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था कल, जिसमें कि वो 100 पलंग, 50 बायपैप, 20 वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, देन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, मॉनिटर्स, मतलब वो 100 बेडेड अस्पताल को जो कि क्रिटिकल कोविड केयर करे उसके लिए इक्विपमेंट देंगे। तो उस लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर हमने उनको पत्र लिख दिया है, हमारी कंसेंट दे दिए है कमिश्नर साहब से अनुमति लेके। तो उनका कहना है कि 20 से 25 दिन में वो सामान हमको। देखा जाए तो यूविकैन फाउंडेशन की ओर से लेटर मिलने के बाद अब 100 बेड की यूनिट के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।